हे गाइस एंड व्हाट्स अप। तो क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। सो गाइस, वीडियो कंटिन्यू करने से पहले अगर आपने पहले ये दो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो मैं चाहता हूँ आप पहले जाके प्लीज इसे देखें ताकि आज की जो स्टोरी है वो आपको समझ आए। और अगर आपने देख लिया तो अब हम स्टोरी चालू करते हैं। बाय द वे, स्टोरी चालू करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरे सारा कॉन्टेंट कंज्यूम कर लिया और अगर आपको और कॉन्टेंट देखना है तो मैंने एक नया चैनल बनाया है। आप वहाँ पर जाके मेरा नया कॉन्टेंट देख सकते हैं। बहुत डिफरेंट कॉन्टेंट है इससे, बट आई जस्ट होप कि आपको वो अच्छा लगेगा, तो आप उसको भी विजिट कर सकते हैं। सो या और अगर आपको जो मैं अभी स्टोरी सुना रहा हूँ वो इंटरेस्टिंग लग रही है और आपको ये भी जानना है कि कैसे एक स्टोरी लिखी जाती है, कैसे स्टोरी टेलिंग करी जाती है, तो वो भी मैं उस दूसरे चैनल पे समझाऊंगा पूरा। तो आपके लिए मतलब अगर इंटरेस्ट है तो वो हेल्पफुल वीडियो रहेगी। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। एकदम से पूरे गाँव में खौफ का माहौल बन चुका था। पिशाचिनी वापिस आ चुकी थी और सिर्फ एक आदमी था पूरे गांव में जो उस पिशाचिनी को हरा सकता था, वो तांत्रिक। और पिशाचिनी के हाथ में उस तांत्रिक का सर था। गांव के हर आदमी को उस टाइम सिर्फ अपनी मौत दिखाई दे रही थी, पर उस गांव में चार ऐसे लोग भी थे जिनको अपनी मौत के डर से ज्यादा किसी और के डेथ का गम सता रहा था। वो तीन दोस्त जिन्होंने अपने दो दोस्तों को खोया था, और एक वो सरपंच जिनके बुलाने से तांत्रिक इस गाँव में आया था। और अब तांत्रिक की जो डेथ हुई थी उसका भार भी सरपंच ने अपने सर पर ले लिया था। रात के करीबन 1-2 बज रहे थे और अब वही सिलसिला वापस चालू हो चुका था। गेट में 3 बार खटखटाना, पूरे गांव को पिशाचिनी के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। वो आवाज इतनी ज्यादा बुरी थी कि जिसे सुनने के लिए तुम्हें अपने कान बंद करने पड़े, और इतनी ज्यादा लाउड आ रही थी कि ऐसा लग रहा था कि वो बस तुम्हारे सामने खड़ी हुई है। ये सिलसिला करीबन 1.5 घंटे तक चलता है। गांव के हर घर में जाके खटखटाती है, गांव की हर गली से वो जा रही होती है, चिल्ला रही होती है, और 1.25 घंटे बाद ये सिलसिला खत्म हो जाता है। अब 1.5 घंटे तक पूरा गाँव शांत है, ना किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही है, ना गेट में खटखटाने की आवाज आ रही है, कुछ भी नहीं। सबको लग रहा था शायद पिशाचिनी जा चुकी है। पूरे गाँव में पिन ड्रॉप साइलेंस था। आधे लोग सो चुके थे, आधे लोग सोने की कोशिश कर रहे थे, एंड आधे लोग शौक में थे कि फिर से एक बार पूरे गांव में किसी एक औरत की चिल्लाने की आवाज़ आती है। बट ये वाली आवाज़ पिशाचिनी की नहीं होती, ये उन गांव में रहने वाले किसी औरत की आवाज़ होती है। और वो इतनी ज़ोर से, इतनी दर्द भरी आवाज़ होती है, जैसे मानो कि उस औरत के उसके शरीर से कलेजा निकाल लिया हो, तो कैसी दर्द में कोई चिल्लाएगा, उस टाइप से वो औरत चिल्ला रही होती है। अभी सरपंच उस औरत के पास जाने ही वाले थे कि तभी एक और आवाज़ आती है चिल्लाने की, किसी और औरत की, एंड देन किसी और औरत की। और ऐसे करते करते हर घर से किसी न किसी के चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। हर घर में कोई ना कोई चिल्ला रहा था। आरती ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा डर जाती है, वो रोने लग जाती है, बहुत रो रही है। और रोते रोते वो शौर्य और रोहन को बोलती है, मैंने तुम लोगों को बोला था ना कि यहाँ नहीं आना, हमें ऐसी जगह नहीं जाना जो बिल्कुल मिस्टीरियस हो, जिसके बारे में किसी को पता ना हो। क्यों तुमने मेरी बात नहीं मानी, क्यों तुम लोग यहाँ पर आ गए, और देखो आज क्या हो रहा है हमारे साथ। जिसका रोहन जवाब देता है, शायद ये सब मेरी गलती है, मेरा ही प्लान था यहाँ आने का, मेरा ही प्लान था एक ऐसी जगह जाने का जिसके बारे में कोई ना जानता हो, और शायद मेरी वजह से आज हमारे बीच लीसा और कार्तिक नहीं रहे। रोहन बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, वो बहुत अलग एक्ट कर रहा है। उसको बस ऐसा लग रहा है कि जो भी हो रहा है वो उसकी वजह से हो रहा है, और उसके दोस्तों के साथ जो भी हुआ है उन सब का जिम्मा उसने अपने ऊपर ले लिया है। तभी शौर्य बीच में आता है और वो दोनों को बोलता है कि ये वक्त ना तो डरने का है, ना खुद को ऐसे गिल्ट देने का है, अभी हमें मिलके कोई सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, कैसे हम इस चुड़ैल को हरा सकते हैं, हमें ये सोचना पड़ेगा। पूरे गांव में चिल्लाने की आवाज़ें गूंज रही थी, हर घर से आवाज़ें आ रही थी। सरपंच बाहर आ जाता है और चिल्लाकर बोलता है कि क्या हुआ, सब ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो। तब एक औरत बोलती है, मेरा बच्चा इस घर में नहीं है, जो अभी अंदर सो रहा था वो अब यहाँ पे नहीं है, पिशाचिनी उसे ले गई। जैसे वो औरत ये बोलती है, गांव की बाकी लोग भी यही बोलने लग जाते हैं कि हमारे बच्चा भी नहीं है यहाँ पर, हमारे बच्चे को भी ले गई, ऐसे कर करके ये पता चलता है कि सबके घर से बच्चे गायब हैं, गांव के सारे बच्चे गायब हो गए होते हैं, और बस उनके माता पिता, उनके पूरा परिवार बस रोए जा रहा है। पूरे गाँव में रोने की आवाज़ें गूंज रही है। अब सब अपने बच्चों को ढूंढने के लिए बाहर आ जाते हैं। हर कोई यहाँ से वहाँ भाग रहा था, अपने बच्चे ढूंढ रहे थे, अपने बच्चों के नाम चिल्ला रहे थे, पर किसी को भी कोई भी जवाब नहीं मिल रहा था। एट द एंड सबको ये समझ आ जाता है कि शायद उनके बच्चे गांव में नहीं है, उन्हें पिशाचिनी अपने साथ ही ले गई है। उन सबको पता था कि उनके बच्चों को पिशाचिनी ले गई है, और उन सबको पता चल चुका था कि पिशाचिनी इतनी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है कि वो जब मन चाहे जहाँ चाहे वहाँ आ सकती है। पहले तो वो सिर्फ आती थी, गेट खटखटाती थी, जिसने खोल दिया वो उनके बच्चे ले जाती थी, बट अब कोई गेट खोले ना खोले, हमेशा बंद रखे, कुछ भी कर ले,
उनके बच्चे कहीं सेफ नहीं है, पिशाचिनी उनके घर कैसे भी आ जाएगी और उनके बच्चों को ले जाएगी। ये चीज पूरे गांव वालों को समझ आ चुकी थी और इतनी ज्यादा पावरफुल चुड़ैल को हराना नामुमकिन था। पूरे गांव में हड़बड़ी मची हुई थी कि तभी सबको एक आवाज आती है जो कि उस मंदिर से आती है। हर कोई मुड़कर उस मंदिर की तरफ देख रहा होता है एंड उन सबको दिखती है पिशाचिनी। वो मंदिर के पास खड़ी हुई है, उसके बाल हवा में लहर रहे हैं। वो बाल उसके इतने बड़े हैं कि वो जमीन को छू रहे हैं। उसकी शक्ल किसी को दिखाई नहीं दे रही, रात में इतनी दूर इतना क्लियर दिखाई नहीं देता। और पिशाचिनी के हाथ में एक अजीब सा हथियार है, नोकीला सा लंबा सा, और वो उस हथियार को आसमान की तरफ दिखाकर बहुत जोर से चिल्लाती है। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आसमान में बिजली की गड़गड़ाहट चालू हो जाती है, मंदिर की घंटियाँ खुद बजने लग जाती है। पूरे गाँव को ये मंजर देख कर ये समझ आ चुका था कि सबके बच्चे उस मंदिर में होंगे और पिशाचिनी उन सबकी बलि देने की तैयारी कर रही है। ये सब देखकर शौर्य को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो पूरे गांव को एकदम चिल्ला के बोलता है, हम सबके पास यही एक अवसर है उस पिशाचिनी को हराने का। मुझे नहीं पता हम सब ये कैसे करेंगे, बट हम सबको एक होना पड़ेगा। अगर आज भी आप सबको ये लग रहा है कि हम उससे नहीं लड़ने जाएंगे, अगर जाएंगे तो हमें मार देगी, हम कैसे जीतेंगे, जबकि उसके पास आप सबके बच्चे हैं, और अगर आप अपने बच्चों के लिए भी नहीं लड़ सकते तो मुझे माफ़ कर देना। जिस मरने के डर से आप जी रहे हो, आप बहुत पहले मर चुके हो, क्योंकि अगर आप अपने बच्चों के लिए नहीं लड़ रहे हो तो जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे डर डर के जीने का कोई फ़ायदा नहीं। वो वहाँ पर सिर्फ एक है और हम यहाँ पे इतने सारे हैं। आज तक हमें सिर्फ एक आदमी इससे बचाता हुआ आया था, वो थे तांत्रिक जी। और आज जब तांत्रिक जी की मौत हो चुकी है तो उनके मौत के जिम्मेदार हम सब हैं, क्योंकि वो हमें बचाते हुए मरे हैं। और अगर आज भी हम उनसे नहीं लड़े, उस चुड़ैल को नहीं हराया, हमने हिम्मत नहीं दिखाई, तो तांत्रिक जी की जो मौत हुई है ना, वो व्यर्थ हो जाएगी। कोई मतलब नहीं होगा उनकी मौत का, जो उन्होंने हमें बचाते हुए दी है। शौर्य की बातें पूरा गांव बहुत 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 ध्यान से सुन रहा होता है। एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, सब सुन रहे होते हैं। कि तभी कुछ लोग बोलते हैं कि बोलना बहुत आसान है और करना उतना ही मुश्किल। तुम्हें क्या लगता है, हम अपने बच्चों को नहीं बचाना चाहते? हमें दर्द नहीं हो रही वो हमारे बच्चे ले गई। हम बचाना चाहते हैं, हम उस औरत को हराना चाहते हैं, पर कैसे? वो इतनी ज़्यादा शक्तिशाली है, हम उसे हरा ही नहीं सकते। और हम नहीं चाहते कि पहले हम अपने बच्चे खो चुके और हम अपना पूरा परिवार भी खो दें, इसलिए हम ये रिस्क नहीं ले सकते। और ये बातें सुनकर पूरा गांव इस बात से सहमति दे रहा है कि हाँ भाई, बच्चे चले गए बट हम अपने माँ बाप, अपनी बीवी, इनकी जान खतरे में नहीं डाल सकते। कि तभी रोहन बोलता है, मुझे ज़्यादा बोलना नहीं आता बट मैं कुछ चीज़ें बोलना चाहता हूँ। आप कब तक उससे भागोगे? आज भाग रहे हो, आज बच गए, कल वो फिर आएगी, परसों फिर आएगी, और वो तब तक आती रहेगी जब तक इस गांव का हर एक आदमी ना मर जाए। तो आप सिर्फ वेट करो अपनी मौत का। मैं वेट नहीं कर सकता, मेरी वजह से मेरे दो दोस्तों की मौत हुई है, और अब मैं और वेट नहीं कर सकता कि मेरे बाकी दो दोस्तों की भी हो जाए। इसलिए मैं जा रहा हूँ उससे लड़ने। मुझे नहीं पता मैं उसे हरा पाऊँगा नहीं हरा पाऊँगा, बट एटलीस्ट मैं कोशिश करूँगा, मैं लड़कर मरूँगा ना कि डर कर। और ये बोलते ही रोहन वहाँ से चला जाता है, वो मंदिर की तरफ जा रहा है, और उसके पीछे उसे फॉलो करते हुए आती है आरती। आरती वो लड़की जो कि सबसे ज़्यादा डरी हुई थी, वो लड़की जिसे कोई जोर से कुछ बोल भी दे तो वो रोने चालू कर देती थी। आज वो लड़की में इतनी हिम्मत आ चुकी है कि वो रोहन के पीछे पीछे उस चुड़ैल से लड़ने जा रही है। और इन दोनों के पीछे आता है शौर्य, और अब ये तीनों धीरे धीरे मंदिर की तरफ जा रहे हैं। पूरा गांव नीचे खड़े होकर इन्हें देख रहा है। गांव वालों की हिम्मत नहीं हो रही कि इनके पीछे कोई जाए, उनकी हिम्मत नहीं हो रही कि अपने परिवार को बोले कि चलो एक बार लड़कर आते हैं। पूरा गांव नीचे खड़ा है और ये तीनों चढ़ते चढ़ते मंदिर के पास आ चुके हैं। मंदिर के पास जब ये आते हैं तो ये देखते हैं कि आसपास कोई भी नहीं है, वो पिशाचिनी इन्हें नहीं दिख रही। ये मंदिर के इर्द गिर्द पूरा घूमते हैं, आगे पीछे पूरा सर्च करते हैं, बट इन्हें कोई नहीं मिलता। ये तीनों अब खड़े होकर डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर वो गई तो गई कहाँ, अभी तो यहीं पे थी। और डर तो इन्हें बहुत ज़्यादा लग रहा है कि शायद पीछे से ना जाए, यहाँ से ना जाए, वो कुछ कर ना दे, बट दिखे तो सही, इन्हें कुछ भी नहीं दिखा वहाँ पर। कि तभी इन्हें एक आवाज़ आती है मंदिर के अंदर से बच्चों के रोने की। जैसे वो आवाज़ आती है, शौर्य एकदम समझ जाता है कि जितने भी बच्चे गाँव के गायब है, हो ना हो वो मंदिर के अंदर ही है। शौर्य जाता है, मंदिर का गेट में ताला लगा होता है, अजीब सा ताला होता है, बहुत पुराना सा ताला होता है, उस ताले को तोड़ता है। जैसे ही वो गेट खुलता है, वो देखता है कि मंदिर के अंदर एक गोला बना हुआ होता है और उसके गोले के अंदर सारे बच्चे रखे हुए हैं, पूरे गांव के बच्चे रखे हुए हैं। और वहीं पे उन्हें मिलती है पिशाचिनी जो उस गोले के इर्द गिर्द भाग रही होती है।
वो कुछ मंत्र पढ़ रही है और बस भागे जा रही है। और अब भागते भागते वो पिशाचिनी रुक जाती है। पिशाचिनी को एहसास हो चुका है कि कोई तो है जो मंदिर के अंदर आ चुका है। पिशाचिनी एकदम गुस्से से मुड़ के इन्हें देखती है और पहली बार इन तीनों को देखने को मिलता है पिशाचिनी का चेहरा। उसकी शक्ल पूरी जली हुई होती है, उसकी आंखों से खून निकल रहा होता है, होंठ उसके पूरे काले होते हैं, उसके बाल बहुत घुंघराले और बहुत लंबे होते हैं। उसने काले रंग के कपड़े पहने हुए हैं और वो इन तीनों को बहुत ज्यादा गुस्से से देख रही होती है। वो इतने ज्यादा गुस्से में नहीं देखती और भागते हुए इनके पास आके ऐसे एक हाथ में रोहन एक हाथ में शौर्य से ऐसे उठा देती है और सीधा भागते हुए जाती है और मंदिर के बाहर आ जाती है। रोहन और शौर्य तड़प रहे हैं, वो कुछ भी करके उसके हाथों से नहीं छूट पा रहे। वहीं आरती जो भाग के जाती है वो छुड़ाने की कोशिश कर रही है, वो रो रही है, वो डर रही है, वो हर चीज़ कर रही है, बट पिशाचिनी इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि उन दोनों को छोड़ ही नहीं रही। काफ़ी टाइम बीत जाता है, अब रोहन और शौर्य हिल भी नहीं रहे, उनके हाथ ठंडे पड़ चुके हैं, उनके पैर नहीं हिल रहे। ऐसा लग रहा है जैसे मानो इन दोनों की सांसें जा चुकी है कि तभी आरती को आवाज़ सुनाई देती है, जैसे बहुत ज़्यादा क्राउड चल के आ रहा हो उनके पास, जैसे बहुत भीड़ हो। आरती को ये आवाज़ सुनाई देती है, आरती पीछे मुड़कर देखती है तो वो देखती है कि पूरा गांव मंदिर की तरफ आ रहा होता है। हर किसी के हाथ में मशाल होती है, किसी के हाथ में लकड़ियाँ होती है, किसी के हाथ में पत्थर होते हैं और वो सारे चिल्लाते हुए भागते हुए मंदिर के पास आ रहे हैं। किसी ने नॉर्मल लकड़ियाँ पकड़ी हुई है और किसी ने सिर्फ पत्थर पकड़े हुए हैं और सारे भागते हुए मंदिर के पास आ रहे हैं। जैसे वो मंदिर के पास आते हैं सब वो मशाले अपनी पिशाचिनी के ऊपर फेंक देते हैं, कोई पत्थर फेंक देता है, सब जो भी जिसके हाथ में तो फेंक रहा है। इतना सब देखकर पिशाचिनी एकदम से उन दोनों को छोड़ देती है और एकदम वहाँ से गायब हो जाती है। किसी को दिखता ही नहीं कि वो कहाँ गई, गायब। बट रोहन और शौर्य अब बच गए होते हैं। थोड़ी देर गाँव वाले उनकी अच्छे से मतलब मरम्मत करते हैं, उन्हें पानी पिलाते हैं और अब थोड़ी देर में वो दोनों वापस से सांस ले रहे हैं, वो दोनों वापस खड़े हो जाते हैं। गाँव के सरपंच बोलते हैं कि आज पहली बार हम एक हुए हैं, पहली बार हम सबको ताकत महसूस हो रही है, पहली बार हम सब में ये हौसला आया है कि हम उस पिशाचिनी को हरा सकते हैं, और ये सब आया है आप तीनों की वजह से। आप तीनों ने हमें वो सिखा दिया जो हम आज तक समझ नहीं पाए थे, कि अगर हम अपनों के लिए नहीं लड़ पा रहे तो हमारा जिंदा रहना व्यर्थ है, और अब हम अपनों के लिए लड़ेंगे भी और मरेंगे भी। तभी शौर्य बोलता है कि आप सब ने आज हिम्मत दिखाई और उसी हिम्मत की वजह से आप सबको आपके बच्चे भी वापस मिल गए। जैसे वो ये बोलते हैं सारा गाँव बोलता है बच्चे क्या मतलब कहाँ पे है। तभी शौर्य बोलता है आप सबके बच्चे मंदिर के अंदर हैं। जैसे ही शौर्य ये बताता है पूरा गांव मंदिर के अंदर भागते हुए जाता है। सबको दिखता है कि उनके बच्चे वहां पर पड़े हुए हैं एकदम सही सलामत। सब बहुत रो रहे हैं, सब बहुत खुश है, सब अपने अपने बच्चे को उठा रहे हैं, उन्हें प्यार कर रहे हैं। उन्हें गाँव वालों को अपने खोए हुए बच्चे वापस मिल गए थे, जिन्हें वो सोच रहे थे कि पिशाचिनी ने शायद मार दिया होगा, वो वापस उन्हें मिल चुके हैं। सब गाँव वाले रो रहे हैं, सब वापस आते हैं और शौर्य इन तीनों को बहुत थैंक यू बोलते हैं कि आप सबकी वजह से ही आज हम अपने बच्चों को बचा पाए और आपकी वजह से ही आज हमारे अंदर ये ताकत आ पाई है। अब सब गांव के लोगों के अंदर एक हौसला सा आ चुका है क्योंकि पहली बार उन्होंने पिशाचिनी को हराया था, पहली बार उन्होंने अपने बच्चों को बचाया था और उन सबको ये बात समझ आ चुकी थी कि आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप हार को एक्सेप्ट ना करो। अब सब बहुत ज़्यादा गुस्से में है, हर कोई बोल रहा है कि हम पिशाचिनी को मार देंगे, आज हम उससे अपना बदला लेंगे, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। हर किसी की आँख में एक अलग सी ताकत दिख रही है। कि तभी शौर्य को याद आता है वो मंदिर में जो लिखा हुआ था, समय का पहिया गोल है, जहां से गुजरा वहां फिर आएगा, मोती वो अनमोल है, टूट गया तो वो लौट आएगा, हर मोती जोड़ के बने जो माला, तभी तो उसको हरा पाएगा। जो आखिरी की दो लाइन है वो शौर्य को समझ नहीं आ रही थी, बाकी तो उसने क्रैक कर लिया था, बट आखिरी की जो दो लाइनें थी, हर मोती को जोड़ के बने जो माला तभी तो उसे हरा पाएगा, अब शौर्य को वो भी समझ आ चुकी थी। यहाँ पर हर मोती का मतलब गांव का हर एक सदस्य था और हर मोती को जोड़कर बने जो माला मतलब हर सदस्य जब एक हो जाएगा, हर पूरा गांव एक हो जाएगा, तब तुम उस पिशाचिनी को हरा पाओगे। और आज के दिन हर गांव वाला एक था, हर कोई उससे लड़ना चाहता था, हर कोई उसको हराना चाहता था, कोई डर नहीं रहा था, कोई पीछे हट नहीं रहा था, सब एक बन चुके थे। और तब शौर्य जोर से चिल्लाता है मंदिर को देखकर कि आपकी कही हुई बात हमने सही कर दी, अब आप हमें इससे बचाएं। जैसे शौर्य ये बोलता है पूरा गांव चुप हो जाता है। गांव वाले को समझ नहीं आ रहा शौर्य ने क्या बोला, क्यों बोला, उन्हें नहीं पता कि क्या लिखा था, शौर्य के दिमाग में क्या चल रहा था। बट शौर्य चिल्लाया जा रहा है कि आप हमने वो कर दिया जो आपने बोला था, अब आप हमें उससे बचाएं, आप हमें उससे बचाएं। जैसे ही शौर्य ये सब बोल रहा है गाँव वालों को समझ नहीं आ रहा क्या हुआ कि तभी मंदिर के पीछे से एक लड़की आती है। धीरे धीरे वो इनके पास आती है और जैसे ही गाँव वाले उसे देखते हैं सब एकदम हैरान हो जाते हैं, खासकर शौर्य जो कि बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि इंदु होती है। इंदु वापस अपने नॉर्मल फॉर्म में, सब हैरान है कि वो जिंदा कैसे है
और इंदु वापस से पहली जैसी बन चुकी है। जैसे धीरे धीरे उसमें इविल चीज़ें आ रही थी, उसका फेस बहुत वाइड हो चुका था, उसकी आंखें अजीब सी हो गई थी, वो चिल्ला रही थी, उसके पैर उल्टे हो गए थे, बट अब इंदु वापस पहले जैसी है, एक सुंदर सी शरीफ सी लड़की। वो इनके पास आकर बोलती है, आप सब ने मेरा बचपन से ध्यान रखा, मेरा बचपन से ख्याल रखा, मेरी रक्षा करी, मुझे घर वालों की तरह ट्रीट करा, और अब मेरी बारी है, अब मैं आप सबकी रक्षा करूँगी। अब इंदु चुपचाप वहाँ खड़ी है, पूरे गांव वालों से देख रहे हैं, लेकिन कोई पूछ नहीं रहा, कुछ कह नहीं रहा। इंदु शौर्य और रोहन को बोलते हैं कि यहाँ पे एक बड़ा सा गोला बनाया जाए। शौर्य और रोहन जल्दी से आते हैं और एक गोला बनाते हैं। इंदु उस गोले के अंदर चले जाती है और गाँव वालों को बड़ी आशा वाली नज़र और बहुत थैंकफुल वाला जो चेहरा होता है उस टाइप से देखती है वो, और गाँव वालों को बस बोलते हैं कि आप सब ने आज तक मेरा इतना ख्याल रखा, उसके लिए धन्यवाद, अब आगे की जिम्मेदारी मेरी है। अब उस गोले में ऐसे बैठ गई है और कुछ तो मंत्र पढ़ रही है और वो ऐसे मिट्टी उठाती है उस गोले से और ऐसे फेंकती है। जैसे वो फेंकती है, गांव में बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है, वो आवाज़ उस पिशाचनी की होती है, और अगले पल जब गांव वाले देखते हैं वो पिशाचनी उस गोले के अंदर है। वो बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा है, पहली बार गांव वालों ने उसे डराया था, गांव वालों ने आके उस पर पत्थर मारे थे, उससे इससे गुस्सा है। और दूसरी बात, अब इंदु जो कि उसी की बच्ची है वो उसके सामने है और वो उससे लड़ने के लिए तैयार है। अब इंदु और पिशाचनी, इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू होती है, पूरा गांव चुप है, सिर्फ चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, इंदु की चिल्लाने की, उस पिशाचनी के चिल्लाने की। पिशाचनी जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वो इंदु को पकड़ पकड़ के यहाँ फेंक रही है, वहाँ पीट रही है, उसे पूरे चीर रही है वो। बट इंदु भी वीक नहीं है, ऑल्दो वो पिशाचनी जितनी पावरफुल नहीं है, स्टिल वो कैसे कैसे करके खड़ी हो जा रही है, कैसे कैसे करके वो लड़ रही है। पूरा गांव सिर्फ भगवान से दुआ मांग रहा है कि प्लीज़ इंदु को जिताए, प्लीज़ पिशाचनी का अंत करें, प्लीज़ हम सबको इन सब चीज़ों से मुक्ति दें। अब ये लड़ाई को करीबन 10 या 15 मिनट हो चुके हैं, इंदु बहुत ज़्यादा थक गई है, उसके फिर से बदन से पूरा खून निकल रहा है। वहीं पिशाचनी, जिसे एक खरोच तक नहीं आई है, पिशाचनी इतनी ज़्यादा पावरफुल है। एट द एंड पिशाचनी जाती है और इंदु को ऐसे गर्दन से पकड़ लेती है, पूरे गाँव वालों को देख के हंसने लग जाती है, वो बहुत ज़ोर से हंस रही है, बहुत ज़ोर से हंस रही है। और उसके हाथ में एकदम से वो नौकीला सा जो वेपन उसके पास होता है, हथियार, वो आ जाता है और वो उससे उसका गला काटने लग जाती है इंदु का। तभी पूरे गांव वाले मिलकर उस मंदिर में जो भगवान जी होते थे उनकी प्रार्थना करने लग जाते हैं। वो जो मंदिर था, जो बरसों से बंद पड़ा हुआ था, वो और कोई नहीं बल्कि माता काली का मंदिर था। जैसे ही सारे लोग माता काली का वहाँ पर नाम लेने लग जाते हैं, हर कोई भीख मांग रहा है कि हमें बचाओ, हमें इससे बचाओ और हमें रिहा करो इससे, हमें मुक्ति दो इस सब चीज़ों से। जैसे ही वो भगवान का नाम लेना चालू करते हैं, जैसे वो माता काली का नाम लेना चालू करते हैं, जो पिशाचनी होती है उसके हाथ जैसे इस टाइप के होते हैं, इस हाथ में सर है इंदु का और इधर वो हथियार है, वो काटने वाली है, वो दोनों से छूट जाते हैं और वो अपने कान से पकड़ के चिल्लाने लग जाती है। बहुत ज़ोर से चिल्ला रही है, वो तड़प रही है, वो पिशाचनी उससे नाम सुना ही नहीं जा रहा, वो भाग रही है यहाँ से बाहर, लेकिन कुछ भी वो कर ले वो उस गोले से बाहर नहीं जा पा रही, इतनी तेज़ी से भाग रही है वो उन लोगों को डराने की कोशिश कर रही है कि वो मैं तुम्हें मार दूंगी इस टाइप के, मतलब हर चीज़ वो कर रही है, बट गांव वाले डर नहीं रहे। गांव वालों ने गोले के इर्द गिर्द पूरा एक अपना ही गोला बना दिया और बस एक नाम चिल्लाया जा रहा है जो कि माता काली का नाम है। और एक टाइम आता है जब वो पिशाचनी उसने बस पूरी जान से अपने कान बंद कर दिया, पूरे जान से उसकी आंखों से खून निकलने लग गया, पूरा बह रहा है नीचे की साइड, वो पूरे कान बंद कर रही है कि तभी उसके सामने आती है इंदु, जिसके हाथ में वो हथियार होता है। और फाइनली इंदु उस हथियार से पूरी जोर से उस पिशाचनी के गले में मारती है और अगले ही समय पिशाचनी का शरीर अलग होता है और उसका सर अलग होता है। फाइनली पिशाचनी की मौत हो गई होती है। जैसे ही वो गोला मिटाने की कोशिश करते हैं, इंदु मना कर देती है कि कोई इस गोले को नहीं मिटाएगा, कोई इसके अंदर नहीं आएगा, ये शापित गोला है। यहाँ पे इंदु ने एक मंत्र पढ़ा होता है जिससे ना तो कोई इस गोले के अंदर आ सकता है ना कोई बाहर जा सकता है। हर कोई चिल्ला रहा है कि तुम्हारा क्या होगा, तुम बाहर कैसे आओगी अगर तुम कह रही हो बाहर नहीं आ सकते, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। तब इंदु हंस के बोलते हैं कि मेरा अंत बहुत पहले हो चुका था, मेरा तो जन्म ही इसलिए हुआ था ताकि मैं इसका खात्मा कर सकूं, ताकि आप सब एक होकर मुझे पुकारें और मैं आ सकूं, एंड फाइनली मेरा मकसद पूरा हो चुका है। आप सबने मेरा इतना ख्याल रखा था, आप सबने मेरी इतनी रक्षा करी थी बचपन से, ये जानते हुए कि आने वाले टाइम में मैं भी इस जैसी बन जाऊंगी, बट फिर भी आप सबने मुझे अपने घर वालों की तरह पाला, बस
उसी चीज़ का कर्ज मेरे ऊपर था जिसे चुकाने के लिए मैं वापस आई थी। अब जब मैंने वो कर्ज़ चुका दिया, अब मेरा भी यहाँ पर रहना मुमकिन नहीं है। और ये बोलते ही वो उसी हथियार से खुद को भी मार देती है और उस गोले के अंदर इंदु और वो पिशाचिनी दोनों की डेथ हो जाती है। जितने भी वहाँ पे लोग होते हैं, सबके पास जो मशालें होती हैं वो वापस उस गोले के अंदर फेंक देते हैं और उन दोनों की बॉडी में आग लग जाती है और देखते ही देखते उन सब की बॉडी वहीं पे भस्म हो जाती है और ऐसे करके पिशाचिनी का अंत हो जाता है। गाँव वालों को दुख है इंदु का, बट खुशी है पिशाचिनी के ख़त्म होने की। जो आज तक गाँव पूरा डर में जीता था, फाइनली वो इस डर से बाहर आ चुका है। फाइनली अब वो खुल के जी पा रहा है। सब अपने घर की तरफ जाते हैं, अपने बच्चों को प्यार कर रहे हैं। जो बच्चे खो चुके थे उन्हें हाथ में गोदी में उठा के घर की तरफ जा रहे हैं और वहीं वो तीनों दोस्त आपस में गले मिल रहे हैं और बस वो खुश है कि ये सब ख़त्म हुआ। फाइनली वो अब अपने घर वापस जा सकते हैं। अगली सुबह होती है, पूरा गाँव बाहर आया होता है इन तीनों को बाय बाय बोलने के लिए, इन तीनों को थैंक यू बोलने के लिए कि आप तीनों की वजह से ही जो भी हुआ वो आज आप तीनों की वजह से ही हुआ है। आप नहीं होते तो हमें वो हिम्मत नहीं आती, आप नहीं होते तो हम शायद कभी लड़ भी नहीं पाते और आप नहीं होते तो शायद पिशाचिनी का खात्मा कभी नहीं हो पाता। और ये तीनों फाइनली सरपंच को अलविदा करके, पूरे गांव को अलविदा करके वापस से अपने घर की तरफ चल पड़े हैं। इनकी गाड़ी जो थी वो खुद ही ठीक हो गई है, पता नहीं कैसे। ये बस गए हैं गाड़ी के पास और गाड़ी इन्हें ठीक मिली है, शायद किसी ने कर दी हो, शायद वो खुद हो गई हो, इन सबको नहीं पता। बट गाड़ी ठीक हो जाती है और शौर्य गाड़ी चलाता है, आरती आगे बैठी हुई है, रोहन पीछे बैठा हुआ है और ये तीनों घर की तरफ रवाना हो चुके हैं। बट इन तीनों के दिल में हिम्मत तो आई है बट उससे ज़्यादा गम है, क्योंकि जब ये आए थे तब ये 5 थे और जब ये जा रहे हैं तो ये 3 हैं। कैसे ये अपने दोस्तों के घर वालों को बताएंगे क्या क्या हुआ, कैसे ये समझाएंगे सबको, इन तीनों को नहीं पता। बट इन तीनों ने एक लेसन सीख लिया कि कभी भी ऐसी जगह ना जाएं जिसके बारे में ना पता हो, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में किसी को आइडिया तक नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन चीज़ों के बारे में नहीं जानते तो चीज़ें नहीं होंगी। इसमें बहुत सी ऐसी मिस्टीरियस चीज़ें हैं। सो यही इनका लेसन था, शायद यही हम सब का भी लेसन है। हम सबको भी कभी खुद से ऐसा अज्यूम नहीं कर देना चाहिए कुछ भी जब तक हमें किसी चीज़ के बारे में जानकारी ना हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। सो ये था स्टोरी का लास्ट पार्ट। आई होप कि आपको स्टोरी अच्छी लगी हो, एंड अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ कॉमेंट करके बताना, अच्छी लगी है बुरी लगी है जैसी भी लगी हो बताना। अच्छी लगी होगी तो खुशी मिलेगी मुझे और अगर बुरी लगी होगी तो मैं और सुधारने की कोशिश करूँगा। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। एंड वंस अगेन, जो मेरा दूसरा चैनल है आप वहाँ पे जाके भी विजिट कर सकते हो, आपको वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, बहुत सारा कंटेंट आने वाला है। तो अगर आपने मेरी सारी वीडियोस देख लिया, यहाँ पे भी हर जगह देख लिया और आपको और चीज़ें देखनी है तो यू कैन गिव इट अ ट्राई, आप वहाँ पे जाके नया कॉन्टेंट देख सकते हो। सो या बाय बाय एंड टेक केयर।